नमस्कार, मैं हूं प्रणव सेवल्टी प्रणवानंद और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल। तो आइए जानते हैं कुछ मुख्य समाचार। हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए 14 यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। हेमकुंड के कपाट 4 सितंबर को खुल रहे हैं और 10 अक्टूबर तक खुले रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह 18 अगस्त को एम्स में भर्ती हुए थे। न्यायपालिका के खिलाफ अपने 2 ट्वीट को लेकर न्यायपालिका की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण को आज अदालत सजा सुनाएगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए मामले आए और 971 मौतें हुई हैं। देश में कुल मामले 36,21,246 और कुल मौतें 64,469 पहुंच गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में पूछताछ के लिए गौरव आर्या प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे, तो वहीं रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज में DRDO गेस्ट हाउस पहुंची, जहां CBI ठहरी हुई है।